आपके लिए चिड़ावा शहर में खुल चुका है राजस्थली रिसोर्ट, वह भी स्विमिंग पूल के साथ, जहां आपको स्विमिंग पूल के साथ साथ स्वादिष्ट खाना और फैमिली के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी, वह भी गार्डन के साथ। चाहे खाना खाने जाना हो आपको फैमिली के साथ, चाहे जाना हो आपको डेट पर, या देनी हो दोस्तों को पार्टी, तो चले आइए राजस्थली रिसोर्ट पर, क्योंकि राजस्थली का है वादा, खाने में रखेंगे आपके लिए स्वाद ज्यादा। चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, झुंझुनू के चिड़ावा शहर में सीवरेज लाइन के चैम्बर में ब्लॉकेज खोलने के लिए उतरा कर्मचारी विषैली गैस निकलने के कारण बेहोश हो गया। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारी को सीवरेज के चैम्बर से बाहर निकाला गया और चिड़ावा के जिला उप अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चिड़ावा कस्बे में सुल्ताना बस स्टैंड के पास सीवरेज लाइन में ब्लॉकेज के कारण रुकी होने के चलते सीवरेज चैम्बर में सफाई कर्मचारी विक्रम भाटिया को उतारा गया। सीवरेज लाइन के ब्लॉकेज खोलने के बाद निकली विषैली गैस से सफाई कर्मचारी विक्रम भाटिया बेहोश हो गया। कई देर तक चैम्बर से बाहर सफाई कर्मचारी नहीं आने के बाद सहयोगियों ने चैम्बर से सफाई कर्मचारी को बाहर निकाला। इसके बाद उसे चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सफाई कर्मी विक्रम भाटिया को होश आया। इसके बाद उसे इलाज के लिए झुंझुनू के जिला अस्पताल रेफर किया गया। सफाई कर्मी विक्रम भाटिया ने बताया कि चैम्बर में उतरते समय उनको कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए थे, ब्लॉकेज के दौरान निकली गैस के बाद वह बेहोश हो गया। विक्रम भाटिया ने बताया कि वह कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। विक्रम भाटिया, क्या काम करते हैं आप? सीवेज में कब से काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम नहीं करते 8-10 साल हो गए। अभी आज क्या हादसा हुआ? अभी मुझे अपने कौन सा रोड है, सुल्ताना बस स्टैंड, वहाँ पे मैं दोपहर में मना किया था मैंने, भाई यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम है, ये फ्लाई प्रॉब्लम है। किसमें? चैम्बर में? चैम्बर में। मैं सेठ ने बोला था ये चैम्बर साफ कर दे, फ्री होके आ जा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है, भाई झूठ क्यों बोलता हूँ मैं? वो कंपनी मतलब ये प्लांट चलाते है, ये ड्राइवर साहब है, और ये अपने ये दो मजदूर है मेरे साथ में। आप सुपरवाइजर खड़े हो? क्या हुआ आगे? आगे क्या हुआ? आप खड़े हो, आप खुद चलो, ये सुपरवाइजर साहब है। आगे क्या हुआ? उसके बावजूद मैं अंदर उतरा में उसमें फिलहाल गैस नहीं थी। जब जैसे मैंने पाइप का जो लीकेज खोला मैंने, उससे ऑक्सीजन आई, मुझे गैस लगी, ठीक है ना, गैस लगी, उसके बावजूद गैस लगी और बाहर निकला मैं, मुझे कोई होश नहीं था। यहाँ लाए बाहर किसने निकाला? ये तो सब इनकी मेहरबानी है। हाँ। मुझे उसको मालूम नहीं था। हाँ। मुझे कोई मालूम नहीं था। सेफ्टी के कुछ मास्क वगैरह थे क्या आपके पास? नहीं, मास्क वगैरह कुछ नहीं था। हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। तो कंपनी की तरफ से कुछ नहीं दिया गया आपको सेफ्टी के लिए? सेफ्टी बेल्ट थी। सेफ्टी आपकी थी? बस आप ओनली बेल्ट थी, बेल्ट थी, तो मास्क हेलमेट कुछ नहीं। वैसे तो हादसे में कुछ भी हो सकता था। हमारी कंपनी को ये चाहिए कि एक ही बात है, काम करो, उससे कोई मतलब नहीं भाई, चाहे आदमी मरो चाहे जियो। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान, भीलवाड़ा जिला। यहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हो? एप्पल कंस्ट्रक्शन। कौन सी में? ये तो ये कंपनी मतलब एप्पल कंस्ट्रक्शन है कंपनी। हाँ। उसके थ्रू छूटी हुई है साई कंस्ट्रक्शन। साई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ उसमें, कल भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ। और उतरा उस टाइम में गैस नहीं थी कोई भी, तो हॉस्पिटल में क्यों लाया गया? हॉस्पिटल में तो कोई पाइप को लकीज खुला उस टाइम में, कोई थोड़ी बहुत आई, तुरंत बाहर निकाल लिया, हॉस्पिटल लेके आ गए। ये बता रहे हैं वो तो है, लेकिन उसमें गैस नहीं था। आप किस पोस्ट पे हो? मैं सुपरवाइजर। कौन सी कंपनी काम देख रहे हो यहाँ पे? साइंस, PCSNL की तरफ से है।
बाहर इनको किसने निकाला, कैसे निकाला? हमने निकाला सबने, लेबर थी, ऑपरेटर थी, ड्राइवर। कितने लोग थे वहाँ पर मौजूद? लोग तो हम 4-5 थे और बस स्टैंड है वहाँ पे मौजूद थे। जमा हुए थे? नहीं नहीं कोई जमा नहीं, बस वो थोड़ा बेहोश हुआ तो उसको ले गए तुरंत आगे, नहला दिया पानी से डाल कर, फिर होश में आ गया, फिर बैठा के आ गया। अभी जुड़ने के लिए रेफर किया है, क्या है? हाँ बोल तो रहे हैं, बोले नहीं हो सके तो ले जाना, सही आपके सामने एकदम सही है, आवाज़ आ रही है क्लियर एकदम।